जाहिर सी बात है आपके पास कहीं ना कहीं से कोई मैसेज आया होगा, तो आप क्या सुलह के लिए राजी हैं? सर मैं बिल्कुल सुलह के लिए राजी नहीं हूँ। मुझे बहुत से सारे जो इनके डिफरेंट सोर्सेज हैं ये उससे सुलह के लिए बोल रहे हैं। इसके जिस तरह ये वीडियो पैगाम देते हैं या मुख्तलिफ सोर्सेज या मुख्तलिफ इनके जो लिंक्स हैं उनके थ्रू ये हम तक मैसेज कन्वे करते हैं कि जी सुलह कर लेते हैं। मैं किसी भी किस्म की सुलह के लिए राजी नहीं हूँ। मैं कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा हूँ। मैंने अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया है। पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे इंसाफ देगी, और अब तो केस वैसे भी हमारी फेवर में काफ़ी हद तक मुड़ चुका है, तो मैं सुलह क्यों करूँगा इनके साथ। आपने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये बताइए कि जदीन ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि वो मुसलसल आपने रबते में थे और आपको मैसेजेस नहीं किए, ऐसी कोई है चीज़? बिल्कुल गलत और बेबुनियाद झूठा इल्ज़ाम था। जब से ये इंसिडेंट हुआ, मेरी बेटी का युवा हुआ, उस वक्त से लेके अभी तक मुझे कतई तौर पे कोई भी मैसेज नहीं आया। मैसेज के अलावा मैं थोड़ा सा इसे मज़ीद क्लियर कर दूँ, मैसेज के अलावा भी मेरे से जो है वो फ़ोन या किसी भी प्लेटफॉर्म पर रब्ता नहीं हुआ। सेकेंडली जिस तरीके से वहाँ पे वो बैठ के झूठ बोल रहे थे वो बिल्कुल एक पैथेटिक किस्म के लाइज थे, और मैं उसको कंडेम करता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि एक माइनर गर्ल के इंटरव्यू जो है सोशल मीडिया पर कंडक्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं यूट्यूबर्स के लिए? देखिए, ये इंतहाई अनएथिकल चीज़ है। जब एक बच्ची एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भी माइनर डिक्लेयर हो गई है, तो मेरा ख्याल पाकिस्तानी कानून भी यही कहता है कि बच्ची की स्टेटमेंट्स की तो कोर्ट के अंदर भी वैल्यू नहीं रहती, और आप इस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैं हैरान हूँ किस हैसियत से बच्ची को यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के एक चैनल के ऊपर भी इसका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, वो भी उस वक्त जबकि बच्ची माइनर डिक्लेयर हो गई थी। इंतहाई अनएथिकल चीज़ है और मेरा ख्याल है इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। अच्छा सर, वो सुलह की जो बातें हो रही हैं, जाहिर सी बात है आपके पास कहीं ना कहीं से कोई मैसेज आया होगा, तो आप क्या सुलह के लिए राजी हैं? सर मैं बिल्कुल सुलह के लिए राजी नहीं हूँ। मुझे बहुत से सारे जो इनके डिफरेंट सोर्सेज हैं ये उससे सुलह के लिए बोल रहे हैं। इसके जिस तरह ये वीडियो पैगाम देते हैं या मुख्तलिफ सोर्सेज या मुख्तलिफ इनके जो लिंक्स हैं उनके थ्रू ये हम तक मैसेज कन्वे करते हैं कि जी सुलह कर लेते हैं। मैं किसी भी किस्म की सुलह के लिए राजी नहीं हूँ। मैं कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा हूँ। मैंने अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया है। पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे इंसाफ देगी, और अब तो केस वैसे भी हमारी फेवर में काफ़ी हद तक मुड़ चुका है, तो मैं सुलह क्यों करूँगा इनके साथ।